प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रसारण किया गया, जिसमें लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के संवाद को सुना। इसी कड़ी में जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री संवाद को वर्चुअल माध्यम से सुना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के वंचित वर्गों को सशक्त करने का काम किया जा रहा है। बहुत कम है और अपना जो कुछ भी हो बताइए मुझे, गरीब वंचित महिला किसानों का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि पिछड़े वर्गों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान किए बिना कोई भी राष्ट्र अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार डबल इंजन के रूप में काम कर रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार युवा, महिला, गरीब, किसान के हित में हमेशा काम करेगी। जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत की जो मांग रखी है, बात रखी है, हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भारत बनेगा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा।